हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर फिजिकल एजुकेशन टीचर का, DSSSB 2018, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, शारीरिक शिक्षा को डैसबी कहते हैं। शारीरिक शिक्षा को और क्या कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा को जिमबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, एक डेस्क के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। किस चीज़ के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है? तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए हेल्थ एजुकेशन एक महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, खेल निष्पादन डेस्क का उपउत्पाद है। खेल निष्पादन किसका उपउत्पाद है? तो संपूर्ण व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 104, किसने कहा एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मस्तिष्क है? तो समवेयर यू विल सी दैट अरस्तु आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है प्लेटो, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 5, फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? सो इसका करेक्ट आंसर हो गया हृदय वाहिनी सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 106, शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक डैश है। शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक क्या है? तो ये जैविक आवश्यकता है, शारीरिक क्रिया, ठीक है। शारीरिकी की जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेलों और क्रीडाओं की जननी है। मदर ऑफ ऑल गेम इज इक्वल टू जिम्नास्टिक्स। 108, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक डैस है। शारीरिक शिक्षक सारे काम करता है स्कूल्स में हो या फिर किसी भी फील्ड ग्राउंड में हो, वो मतलब सब काम करता है। आपको इंस्ट्रक्ट भी करेगा, गति शिक्षक भी होगा और अभ्यास मास्टर भी होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना है जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, शारीरिक प्रशिक्षण। पुनर्निर्माण के आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पुनर्निर्माण इन द सेंस रिक्रिएशन में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? सुविधाएं, फैसिलिटीज़ चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 11, एक बेहोश व्यक्ति का वायुमार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सिर झुकाकर और ठोड़ी उठाकर। कोई अनकॉन्शियस व्यक्ति है, कोई बेहोश व्यक्ति है जो ज़मीन पर लेटा हुआ है, अब उसको आपको ब्रीथिंग में हेल्प करनी है, तो आप उसको क्या करोगे? वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, बेहोश है तो ऑब्वियसली बात है ज़मीन पर लेटा हुआ है, तो उसका सिर पीछे हल्के से झुकाओगे और उसकी चिन को अप करोगे जिससे कि उसका वायुमार्ग खुल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं? तो ये अपन 10 सेकंड से ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, 10 सेकंड से अधिक चेक नहीं करेंगे। 10 सेकंड तक चेक करेंगे कि उसकी हार्ट रेट है वो किस हिसाब से चल रही है, और उससे अपन उसकी ब्रीथ कैलकुलेट कर लेंगे 1 मिनट से, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है 1 मिनट से कैलकुलेट करने का। कंठ शूल का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, मतलब हार्ट की जो मसल्स होगी उन तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, जिससे कंठशूल का कारण बनता है, ठीक है। एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति अपने साथ सदैव क्या लेकर चलना चाहिए? जो एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति है वो हमेशा अपने साथ क्या रखेगा? एपिपेन रखेगा, मतलब एडविन लीन, इसको इंग्लिश में एपिपेन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अत्यधिक रक्त हानि से कौन सी चिकित्सकीय स्थिति विकसित होती है? बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो आपको कौन सी चिकित्सकीय स्थिति विकसित हो जाएगी? आघात, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 है इसका। अगर आपको इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, जैसे कि अपन इसका इंग्लिश में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। मगनता क्या है? मगनता को इंग्लिश में कहते हैं फैंट, ठीक है। तो मगनता क्या है? होश की अल्पहानि, मतलब आपको होश नहीं रहेगा, आप कॉन्शियस मोड पर नहीं रहोगे, ठीक है। किस प्रकार के रक्त प्रवाह के रोकने में शामिल मुख्य क्रिया बताइए? किसी प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने में, रक्त प्रवाह जब किसी कोई इंजर्ड पर्सन है और उसको ब्लड लॉस हो रहा है, उसका खून बह रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसका जनरली अपन ब्लड क्लीन करके फिर उसको प्रेस करके रखते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पूछा है कि मुख्य क्रिया क्या है, तो मुख्य क्रिया उसको प्रेस करके रखना है ताकि उसका ब्लड रुक जाए, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि साफ़ करो जब तक और ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए,
तो मुख्य क्रिया यही है कि आप उसको ब्रश करके रखें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश को व्याख्यायित नहीं करता है? कौन सा शब्द है जो भ्रंश को व्याख्यायित नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा नस में डाला गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक घाव को नहीं बताता है? घाव मतलब वाउंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक शब्द है जो घाव को नहीं बताता है? सो नस में डाला गया। क्वेश्चन नंबर 120, सूची में से उस वस्तु का नाम बताइए जिससे बर्री के कांटे के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सिरका। क्वेश्चन नंबर 121, डैश आपके शरीर की रोज़मर्रा की मांगों को पूरा करने की क्षमता है। आपके शरीर की रोज़मर्रा की मांगों को पूरा करने की क्षमता किस में होगी? आपकी हेल्थ में होगी, शारीरिक सेहत में होगी, फिजिकल हेल्थ में होगी, ठीक है। एरोबिक व्यायाम आपको मजबूत बनाता है। एरोबिक और अनएरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है? एरोबिक एक्सरसाइज वह होती है जिसमें अपन को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता हो, जिसमें कि अपन कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हैं फुल स्पीड के साथ। और अनएरोबिक एक्सरसाइज वह होती है जिसके अंदर अपन वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अनएरोबिक व्यायाम आपके किसको मजबूत बनाता है? हृदय को मजबूत बनाता है, ठीक है। एरोबिक व्यायाम आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाता है। एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक देता है। तो एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को, जिसमें अपन को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो वो अपने मांसपेशियों तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या पहुँचाएगा? ऑक्सीजन पहुँचाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 124, अच्छे डेस्क के लिए व्यायाम आवश्यक है। अच्छे डेस्क के लिए तो किस चीज़ के लिए अपन को व्यायाम आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर डी, स्वास्थ्य के लिए ऑब्वियसली। 125, यह सिद्ध है कि व्यायाम डेस्क है। व्यायाम क्या है? यह सिद्ध है। आपको डायबिटीज़ में भी हेल्प, आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपकी उसकी वल्नरेबिलिटी कम करता है ये, ठीक है। किसी डायबिटीज़ पर्सन को बोला जाता है कि आप सुबह वॉक करिए, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, और हृदयाघात के दौरान हृदय क्षति कम करता है। अगर हार्ट अटैक आ रहा है और अगर आप थोड़े बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो आपके आपके हार्ट को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है कि आप एक्सरसाइज करें जिससे आपका हृदय मजबूत रहे और हड्डी का द्रव्यमान बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक सेहत का एक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो शारीरिक सेहत का एक घटक नहीं है? तो बैलेंस, संतुलन है जो कि शारीरिक सेहत का घटक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, सेहतमंदी की संकल्पना में डैश शामिल है। सेहतमंद, आप हेल्दी है, इसकी संकल्पना में शामिल है। तो इसकी संकल्पना में क्या शामिल है? बौद्धिक स्वास्थ्य। आपको मेंटली हेल्थ भी आपकी बहुत आवश्यक है सेहतमंद रहने के लिए, तभी आप खुश भी रह पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 128, संपूर्ण सेहत डैश के संतुलन द्वारा प्राप्त की जाती है। संपूर्ण सेहत किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो जब जहाँ संपूर्ण सेहत का सवाल आ गया, वहाँ पर अपने हेल्थ में कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 129, सेहत में डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सब शामिल है। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़कर सेहत में सब कुछ शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवसाय। ज़रूरी नहीं कि आपका बिजनेस सही चले तभी आपकी हेल्थ सही हो। क्वेश्चन नंबर 130, किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। तो अगर आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, कोई सक्सेस चाहिए, तो फर्स्ट गोल अपना यही होता है कि अपन को गोल डिसाइड करना पड़ता है कि एक्चुअल में अपन को करना क्या है। अपन को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है तभी अपन सक्सेस ले पाते हैं। तो किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है लक्ष्य निर्धारण, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131, बॉल और सॉकेट प्रकार का जोड़ है। बॉल और सॉकेट किस प्रकार का जॉइंट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिध्रुवीय जोड़ है ये। क्वेश्चन नंबर 132, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि डेस कहलाती है। तो भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि क्या कहलाती है? मांसपेशियों में अतिपुष्टि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 133, मेरुरज्जु का कार्यात्मक विभाजन है। तो मेरुरज्जु का कार्यात्मक विभाजन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक संवेदी। क्वेश्चन नंबर 134, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी हैं? मुख्य लार ग्रंथियां कितनी हैं? 6 है। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सी धमनी हृदय को रक्तापूर्ति वहन करती है? तो
फुफ्फुस धमनी है जो हृदय को रक्त आपूर्ति वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 136, स्कोलियोसिस से संबंधित एक आसनीय विकृति है। अब आपको फर्स्टली यह समझना पड़ेगा कि स्कोलियोसिस किससे रिलेटेड है। सो स्कोलियोसिस आपके रिलेटेड है रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, ठीक है। तो इसके अंदर मिसप्रिंट है, थोड़ा रीढ़ लिखा है, इसका सही होगा रीढ़, ठीक है, रीढ़, ठीक है। तो स्कोलियोसिस से संबंधित एक आसनीय विकृति है, रीढ़ की हड्डी में विकृति हो जाती है जिससे अपन को बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। पिछली जांघ की मांसपेशी डैश भी कहलाती है, पिछली जांघ की मांसपेशियां क्या कहलाती है। तो पिछली जांघ की मांसपेशियां आपके कहलाती हैं हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। थाइज की जो मांसपेशियां होती है वो कहलाती है हैमस्ट्रिंग। तकनीकी शब्दों में मांसपेशीय खिंचाव कहलाता है, तकनीकी शब्दों में मांसपेशीय खिंचाव क्या कहलाता है, तनाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 139, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस जो कान में होती है। 140, निम्नलिखित में से एक स्थूल कवच जोड़ का बेहतरीन उदाहरण है, स्थूल कवच जोड़ का बेहतरीन उदाहरण क्या है इसमें से। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कलाई का जोड़, रिस्ट। क्षय रोग का एक उदाहरण है, क्षय रोग टीबी का एक उदाहरण है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामारी, क्षय रोग एक महामारी है, जो कि अभी कोरोना चल रही है, कोरोना भी एक महामारी है, इसी तरह टीबी भी एक महामारी है। क्षय रोग में जीवाणु सामान्यतः डैश पर आक्रमण करते हैं, क्षय रोग में जीवाणु कहाँ पर आक्रमण करते हैं, फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं, अपने फेफड़े जो होते हैं उन पर क्षय रोग में जीवाणु आक्रमण करते हैं, सबसे पहले वही डैमेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, वैंकोमाइसिन है, वैंकोमाइसिन क्या है, वैंकोमाइसिन है एक प्रतिजैविक है, वैंकोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। हेजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में है, हेजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में 1 to 5 million है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे हेजा की जो केसेस आते हैं, हेजा के जो केसेस आते हैं वो 1 to 5 million आते हैं। 145, डैश के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शरीर के शिकारी के नाम से जाना जाता है, किसके उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है, मतलब किसका उन्मूलन हो गया, किसके ख़त्म होने के पश्चात पोलियो आया जिसे मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है। तो इससे पोलियो से पहले खतरनाक बीमारी और कौन सी थी ये पूछा है, तो छोटी माता करेक्ट है। 146, हेजा विषाणु द्वारा उत्पन्न कुल है, इसका करेक्ट आंसर होगा 6, ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 147, संक्रामक रोगों में शामिल है, संक्रामक रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसके अंदर शामिल है ट्यूबरक्लोसिस। 148, वेरियला विषाणु डैश के कारक के रूप में जाना जाता है, वेरियला विषाणु किसके कारक के रूप में जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है छोटी माता। 149, मानवों में हेजा मुख्यतः डैश को प्रभावित करता है, मानवों में हेजा किसे प्रभावित करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत को प्रभावित करता है। टीकाकरण डैश के लिए एक मुख्य नियंत्रण उपाय है, टीकाकरण के लिए मुख्य नियंत्रण उपाय क्या है। सो संक्रामक रोग मतलब आपको कम्युनिकेबल डिजीज जहाँ होगी वहाँ पर टीका लगना तय है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कोई है जो बहुत पुरानी होगी है, जिसका टीका बन भी चुका है, जैसे अगर कोरोना को 1-2 साल बाद अगर देखा जाए तो तब तक उसकी वैक्सीन बन चुकी होगी और उसे एज ए वैक्सीनेशन यूज़ किया जाएगा, कि जैसे अभी पोलियो का टीका पहले से लग जाता है बच्चों को, उसी तरह कोरोना का भी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी कह नहीं सकते कुछ, कोरोना पर इतनी रिसर्च हुई नहीं है, लेकिन पोलियो का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पोलियो को नियंत्रण करने के लिए एक मुख्य उपाय टीका है, ठीक है। तो इसी तरह तो कौन सी बीमारी है जिसको नियंत्रण करने का उपाय टीकाकरण है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस जितने भी होती है उनको नियंत्रण करने का उपाय टीकाकरण होता है, ठीक है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है, इनमें से ऐसे कौन से पोषक हैं जिनकी कमी से अपनी स्किन प्रभावित होगी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोफ्लेसिन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक अम्ल, इन सभी से अपनी स्किन प्रभावित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, विटामिन B6 की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, विटामिन B6 की कमी से अपन को क्या प्रभाव पड़ता है।
सो विटामिन B6 की कमी से अपन को क्या होगा, एक्जिमा के कुछ प्रकार हो जाएंगे। एक्जिमा के प्रकार, कुछ प्रकार मतलब स्किन जो है अपनी ड्राई हो जाएगी, स्किन सूखी दिखेगी, ठीक है, उसमें से मॉइस्चर गायब हो जाएगा। इस मतलब विटामिन B6 की कमी से ये होता है अपने साथ, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के डेस विधि में व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों के विनिमय से सीखते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन से अपन लोग अनुभवों के विनिमय से सीखते हैं, मतलब अपने को एक्सपीरियंस वगैरह होता है, अपने खुद के बारे में जान पाते हैं अपन ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 154, WHO की स्थापना कब हुई? सो WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, WHO की स्थापना। WHO से काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं, WHO के प्रेसिडेंट कौन है, WHO के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, WHO के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है। अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही मोटिव रहता है कि अपन आइडिया लगा सकें कि अपने क्वेश्चन, अपने जो परीक्षाएं होगी आगे उनके अंदर कैसे सवाल आ सकते हैं, किन टॉपिक से सवाल आ सकते हैं, किस टॉपिक को कितना कवर कर सकते हैं। सो यही सब जानने के लिए अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, इसीलिए PYQs इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि अपन पता लगा सके कि अपने जो फ्यूचर एग्जामिनेशंस होंगे उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, ठीक है। तो WHO से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसे देख लीजिएगा एक बार। मूव टू क्वेश्चन नंबर 155, WHO के प्रथम महानिदेशक किनाडियाई चिकित्सक ब्रॉक ससहोम थे जिन्होंने कब से कब तक सेवा की? WHO के प्रथम महानिदेशक थे जिन्होंने कब से कब तक सेवाएं प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर है 148 से 1953 तक, ठीक है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 156, WHO का महानिदेशक कौन है? ये क्वेश्चन ये अपने हुआ था 2018 में, ठीक है, तो उस टाइम जो आंसर था वो अलग था और अभी अलग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, उस टाइम तो था डॉक्टर मार्गरेट चान, ठीक है, डॉक्टर मार्गरेट चान आपका करेक्ट आंसर था 2018 में। और अभी 2021 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, टेड्रोस करके है, टेड्रोस ROS, ठीक है, टेड्रोस बी इसका करेक्ट आंसर है, टेड्रोस बी जो WHO के महानिदेशक है 2021 में, ठीक है, 2021 में। 157 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, मनुष्य में विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है आपके बेरी बेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, विटामिंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही विटामिन के की कमी से है, तो दो चार टॉपिक तो कॉमन हो जाते हैं कि जैसे WHO पढ़ लिया, विटामिंस पढ़ लिए, ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको तो क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता हो जाता है, जिनसे कि आपके 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही, 8-10 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाए, हालांकि पढ़ना पड़ता है उसके लिए भी। विटामिन के की कमी से क्या होता है, ठीक है, विटामिन के की कमी से आपको कौन सा रोग होगा? विटामिन के की कमी से रक्त संचरण में समस्या होगी, आपको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन नंबर 159, नियमित रूप से वीरेचक का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे किसकी कमी होती है? वीरेचक का प्रयोग करने से किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो पोटेशियम की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। रात्रि अंधता, कंजक्टिवा का सूखना, त्वचा का सूखा और फटा होना और बाल झड़ना डेस के कुछ लक्षण हैं, इन सब के ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाना कौन से विटामिन की कमी के लक्षण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन B, विटामिन ए की कमी से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो विटामिन ए तो लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, आरंभ में कितनी खेल संस्थाएँ शुरू की गई थी? आरंभ में कितनी खेल संस्थाएँ शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है आपके 400, आरंभ में 400 खेल संस्थाएं शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 162, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हेल्थ एजुकेशन स्टार्ट किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके फ्रेडरिक जॉर्ज भी है, तो डोंट कन्फ्यूज विथ इट, फ्रेडरिक जॉर्ज और जॉन, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक जॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, खेलों के मुख्य पुरस्कार का नाम बताइए, खेलों में मुख्य पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
दसवें एशियाई गेम्स में पीटी उषा ने कितने पदक जीते थे? जो 10th एशियंस गेम्स हुए थे उसमें पीटी उषा ने कितने पदक जीते थे? तो कुछ बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, आंसर नंबर बी लगा के आए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उसने 4 तो गोल्ड जीते थे। पीटी उषा जी ने जो पदक जीते वो 4 तो गोल्ड थे, ठीक है, और 1 सिल्वर था। तो 1+4=5, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165, हाल ही में चर्चा में रही पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? पीवी सिंधु जी किस खेल से जुड़ी है? बैडमिंटन से जुड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। माउंट एवरेस्ट पर जैसे जैसे आप लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो एवरेस्ट पर चढ़ना इज़ बिग अचीवमेंट। तो ये बछेंद्री पाल, यहाँ पर गौर कीजिएगा, पहली भारतीय महिला है ये, ना कि वर्ल्ड की पहली महिला, ठीक है। पहली भारतीय महिला कौन है? अपने भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम, ऊपर से आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, वहाँ पर बहुत लंबी चढ़ाई होती है वो, जिसके लिए इनको अचीवमेंट मिला है कि ये पहली भारतीय महिला है। लॉ एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है, बुक का नाम है ये, और इसके लेखक कौन है, मुकुल मुदगल जी, ठीक है। तो बुक का नाम देख लीजिए एक बार वापस से, लॉ एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड चैलेंज, ये मुकुल मुदगल ने लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक लगाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो हरभजन आपका पहला भारतीय है, हरभजन सिंह क्रिकेटर है। एशियाई खेल किस वर्ष में शुरू हुए? ये क्वेश्चन अपन को DSSB में इसलिए दिया है क्योंकि ये एशियाई खेल अपने इंडिया में ही स्टार्ट किए गए थे, जो कि 1951 में किए गए थे और दिल्ली में किए गए थे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ये रिपीट भी हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एशियाई खेल किस वर्ष में शुरू हुए थे? 1951 में, ठीक है। 170, भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष है, अगेन मैं आपको बताऊंगी कि ये 2018 का पेपर है तो उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। लेकिन आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2021 में अभी करंट में कौन है ये आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि अभी खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 पर चलते हैं, मनोविज्ञान को डैश कहते हैं, मनोविज्ञान को और क्या कहा जाता है? तो आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल भी कहा जाता है। 172, शब्द साइकोलॉजी से आया है, शब्द साइकोलॉजी कहाँ से आया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ग्रीक शब्द है ये, जहाँ से साइकोलॉजी शब्द आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173, डैश के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो 18वीं सदी के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है? इनमें से कौन सा अध्ययन का नियम है? इनमें से सारे ही अध्ययन के नियम है, सीखने का कोई नियम नहीं होता, सीखने का सिर्फ एक नियम होता है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। सो इसके अंदर सारी चीज़ आ जाती है, तैयार रहने का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 175, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को डैस ने विकसित किया, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 176, प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया, प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया ये पूछा है इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ज़बर्ग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, प्रभाव अध्ययन का नियम डैश द्वारा शुरू किया गया, प्रभाव अध्ययन का नियम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये थार्नडाइक के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 178, प्रेरणा का द्वारका सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया, प्रेरणा का द्विकारक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया था,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179। मनोविज्ञान के पिता है, मनोविज्ञान के पिता कौन है? बड़ा सही क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के पिता आपको पता होना चाहिए कौन है, वुंड है। ठीक है, दर्शकों द्वारा समर्थन एक डैश है, दर्शकों द्वारा समर्थन मिलना क्या है ये पूछा गया है इसके अंदर, तो ये सामाजिक प्रोत्साहन है। ठीक है, सोशल एनकरेजमेंट है, आपको अगर ऑडियंस पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रही है तो ये सामाजिक प्रोत्साहन है। जैसे आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, ये मेरे लिए एक सोशल मोटिवेशन होगा। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रोत्साहन है, दर्शकों द्वारा एक समर्थन होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181। अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें डैश शामिल होना चाहिए। अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके उपरोक्त सभी, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182। सममिति अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई डैश है, सममिति अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई है, मांसपेशियों की लंबाई समान है, ऐसे अभ्यास को सममिति अभ्यास कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 183। गति खेल को डैश भी कहते हैं, गति खेल को और क्या कहा जाता है ये पूछा है इसके अंदर, तो गति खेल को फाटलेक प्रशिक्षण भी कहा जाता है, फाटलेक ट्रेनिंग भी कहा जाता है गति खेल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184। सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है, सुनियोजित प्रशिक्षण किस ऑप्शंस में से बताइए कि सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है, कैसे किया जाता है सुनियोजित प्रशिक्षण। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, कौशल में महारत पाने के बाद आप सुनियोजित प्रशिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185। अवस्थान्तर अवधि डैश पर लक्षित है, अवस्थान्तर अवधि किस पर लक्षित है, वसूली पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186। खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अभिधारणा किसके द्वारा की गई है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लूमले। ये बड़े ही थ्योरिटिकल क्वेश्चंस है कुछ कुछ, जिनका आपको रटने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता, उनको थोड़ा बहुत समझ के अपनी खुद की पर्सनल ट्रिक्स बना के आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सारे सिद्धांत वगैरह ये किसने दिया, इसके अंदर तो कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ हो नहीं सकती कि जिससे आप फील्ड पे उतर के समझे, जो कि स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी वो मुश्किल पड़ भी जाता है क्योंकि वो लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड नॉलेज उनको ज़्यादा रहती है, तो कुछ कुछ ऐसे बुकिश नॉलेज पूछ लेते हैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आप पढ़ाई भी करते हैं या नहीं, तो ऐसे सिद्धांत पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने वाला है 2018 का, DSSSB का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्टिव पेपर, यहाँ पर 101 से 200 तक आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर के आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके GK के आते हैं, जो इससे इसका मतलब पार्ट ए में ही चलता है। ठीक है, पार्ट ए में ही चलता है आप मतलब साथ में ही आते हैं दोनों क्वेश्चन पेपर, पार्ट ए में आपका 1 से लेके 100 तक रहता है और पार्ट टू में 101 से 200 तक रहता है, तो ये क्वेश्चन पैटर्न तो आप लोगों ने देखा ही होगा। सो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित में से किस माध्यम से हम मूल्य विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम से हम मूल्य विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं, सो इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृति। ठीक है, अपने कल्चर से अपन ये सब लोग अर्जित कर सकते हैं, मतलब अपन सब लोग ये सारी चीज़ें अर्जित कर सकते हैं कल्चर के द्वारा। ठीक है, 188 में खिलाड़ियों में हताशा का कारण है, अब देखिए कितना डेप क्वेश्चन पूछा है, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स जो पर्सन्स होते हैं उनको अच्छे से नॉलेज है कि खिलाड़ियों में हताशा आ जाना एक बहुत ही मतलब नेगेटिव सिग्नल होता है जो कि नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे एक्चुअली जीत नहीं सकते, सब लोग फर्स्ट नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अपन लोगों को मोटिवेटेड रहना पड़ता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर से। ठीक है, सामर्थ्य मतलब आप में कैपेबिलिटी के अव्यवस्थित स्तर से। ठीक है, अगर और महत्वाकांक्षा का मतलब है कि अगर आप में जीतने की इच्छा ही नहीं है तो आप कैसे जीतोगे, तो खिलाड़ी हताश हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 189। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन डैश द्वारा प्रभावित होता है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन डैश द्वारा प्रभावित होता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है इसका आंसर आपको बताना है, सो अभिजात वर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 190। मनोलैंगिक विकास डैश के दौरान होता है, मनोलैंगिक विकास कब होता है आपका, किशोरावस्था के दौरान होता है। सो क्वेश्चन नंबर 191।
विशिष्ट जातीय वर्ग के सभी व्यक्तियों को परिभाषित करने और आंकने के लिए सामान्यकरण का प्रयोग किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके रूढ़िबद्ध। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 92। प्रशिक्षण एक व्यापक अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए उसके लक्ष्य है। तो इसके अंदर एथलीट के उसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं ये पूछा है दिए गए सेंटेंस के अनुसार। तो प्रदर्शन समृद्धि, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर उसके लक्ष्य होते हैं। सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 193। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे जीतें, और ये भी नहीं बोल सकते कि आप लोग जीतने का संकल्प मत लीजिए या फिर आप जीतने की इच्छा मत रखिए। तो जो ये इसका जो सिर्फ सपना हो जाता है कि हमें जीतना है, ये एक नेगेटिव सेंस होता है, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194। जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी अनुकूल भार। सॉरी ये बाहर कुछ आ गया है जिसकी वजह से आपको साउंड डिस्टर्बेंस हो सकता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 5 क्वेश्चंस बचे हैं सिर्फ, कर लेते हैं कंप्लीट, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण के एक मैक्रो साइकिल की अवधि है। खेल प्रशिक्षण का जो ये साइकिल होते हैं, 3 साइकिल होते हैं इसके, माइक्रो मैक्रो और एक और होता है, जिसमें से आपको माइक्रो साइकिल की अवधि पूछी है। माइक्रो साइकिल की अवधि होती है 12 महीने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है? निम्नलिखित में से किस खेल प्रशिक्षण में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है जिमनास्टिक। आपको बहुत कम टाइम मिलता है, उसके अंदर आप ज़्यादा रेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जो कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर सी फाटलेक ट्रेनिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 198। प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामर्थ्य, ठीक है। एथलेटिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग अप्रयोग का जैविक तत्व सामान्य रूप से यह अंतर्निहित करता है कि आप इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है? ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको इसको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है निम्नलिखित ऑप्शंस में से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डायरेक्टली जाकर चेक कर लीजिए गूगल पे, और कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, जिससे कि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है, जिन्हें इसका आंसर नहीं पता। तो अगर आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपको अगर इसकी इंग्लिश PDF चाहिए या फिर इंग्लिश में इसका वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, इंग्लिश में इसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको 2018 DSSSB का फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्विंग है वो इंग्लिश में भी चाहिए या नहीं। चलिए क्वेश्चन पेपर ओवर हो गया, थैंक यू वेरी मच।